आदाब, मैं सना खान, वॉइस 24 न्यूज चैनल आपकी अपनी आवाज से आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ शहीद स्मारक पर। यहाँ सेव इंडिया फाउंडेशन की ओर से एक प्रभात फेरी का आयोजन किया गया, जिसका मुद्दा था जनसंख्या पर नियंत्रण। आइए रैली के बारे में और जानकारी लेते हैं। ऑल रिपब्लिकन आर्मी जो काकुरी कांड किया था, मैंने कोई नई संगठन नहीं बनाया, चाचा ने जो काम किया था उसको पूरा कर रहा हूं। और गांधी नेहरू ने जो चादर ओढ़ा दी थी उस चादर को हटाया और प्रेम किशन खन्ना एक्स एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काकोरी कांड के अभियुक्त शहजहानपुर पुष्पा सेठ की बगिया में मेरे दोनों बेटे पैदा हुए। अमित आजाद इस समय मथुरा में था तिरंगा अभियान में, वहीं से मैं रात में 1 बजे पहुंचा हूं। मेरे साथ मेरी बेटी कलकत्ता से आई। बहुत आप इस कांड की तरह से ये मानिए कि हमारी बात मोदी को माननी पड़ेगी, अगर नहीं मानेंगे तो ये 135 करोड़ जनता हमारी वारिस है और 2,89,00,000 युवा हमारी वॉलंटियर सेना में है। और वही हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी है जो बाद में HSRA बनी और नेहरू गांधी के द्वारा ये 7,32,000 कुर्बानियां ऑन रिकॉर्ड है। और आज जनसंख्या वृद्धि ही हमारा आंगन छोटा है, जड़ जंगल जमीन सब कम है और जनसंख्या वृद्धि पे लगाम लगनी चाहिए, अन्यथा हम लोग एक दिन गुलाम होंगे और हमारे देश में डकैत और माफिया और यह गुंडा राज समाप्त नहीं होगा, भारत से गुंडा राज समाप्त किया जाएगा। इस क्रांति धारा से मैं सेव इंडिया फाउंडेशन को और माननीय राजेश जी को और मैं इन नवयुवकों को, ये मंगल पांडे की वही सरजमी है जहाँ पहली गोली चली थी, रघुनाथ पांडे उनके पोते हैं। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, भतीजा अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद तिवारी, जिसको नेहरू ने अल्पेट पार्क में गोली मरवा दी, खुद को उन्होंने गोली मारी, आजाद थे आजाद रहे। कहूंगा जो आईना दिखावे, जो मलाई खा रहे हैं गद्दार, उनको संसद से बाहर आना है। और 29 राज्यों में हमारा संगठन काम कर रहा है। मैं जब घर में मेरा कार्यालय एक उद्घाटन होने जा रहा है यहाँ और करनाल में, ऐसे जिलों में भी है, महाराष्ट्र में भी है, लातूर में भी है, चाकूर में भी है। मैं नेताजी, आज देश को सुभाष चाहिए, आज देश को आजाद चाहिए, आज देश को मंगल पांडे चाहिए, आज देश को क्रांतिकारी चाहिए। युवाओं को मेरा यही संदेश है कि वो देशभक्ति के जज्बे में तिरंगे में, मेरी जान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा, मेरा अरमान तिरंगा है। बहुत शुक्रिया सर। फिर हमारे साथ सुजीत आजाद साहब, चंद्रशेखर आजाद के भतीजे, जिन्होंने हमसे बात की और अपने विचार रखे आज की इस रैली पर। कैमरामैन मोनिस अब्बास के साथ मैं सना खान, वॉइस 24 न्यूज चैनल आपकी अपनी आवाज।